एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप देख सकते हो मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ। आज मेरा ऑफ है और ऑफ के दिन इतना मुझे कुछ रहता नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है। उतना कुछ रहता नहीं है मतलब कि लाइक ड्यूटी पे नहीं जाना रहता है, ये सब नहीं करना रहता है, बट जो ड्यूटी नहीं जा करके उसके बाद भी मुझे बहुत काम रहता है। तो आज ऑफ के दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, लाइक अपने कपड़े धुलने हैं, उसके बाद रूम साफ़ करना है, फिर बाहर से सामान भी लाना है मार्केट जा करके, और प्लस हेयर कट भी कराना है मुझे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी धीरे धीरे सब एक करके करना है, बट कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। अभी बस ऐसा मन कर रहा फिर से सो जाऊँ, और आज वर्कआउट के लिए भी नहीं जा रहा क्योंकि ऑफ के दिन वर्कआउट नहीं करता मैं। एक दिन लाइक गैप लेता हूँ, वीक में एक दिन नहीं जाता। तो सोचता हूँ स्टार्ट करते हैं फिर से। लाइक सबसे पहले बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह धुलने को दे देते हैं। जो लोग कतराना चाहते हैं ना, वो लोग ये देखें वीडियो, उनको पता चलेगा एक्चुअल में लाइफ यहाँ पे क्या होती है। यहाँ पे आपको सब खुद करना है, यहाँ पे आपको अपने कपड़े धुलने हैं, अपना खाना बनाना। इसलिए मैं थोड़ा लेट से उठा, मैं जनरली 8:40 करके उठ जाता हूँ, बट आज तो 10 हो गया, 10 बज गए। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फ्रेश होने जाते हैं, फिर बेडशीट वगैरह धुलते हैं, कपड़े वगैरह सेट करते हैं। अलमीरा में भी थोड़ा सा सामान थोड़ा सेट नहीं है, वो भी सेट करना है, रूम साफ़ करना है, और बहुत सारा सामान है जो यूज़ नहीं हो रहा है उसको फेंक देना है। किचन में चेक करना है क्योंकि आज मैं किचन में क्या हो रहा है, मैं 1-2 वीक से ना खाना ही नहीं बना रहा, कुछ नहीं बना रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारा सामान ख़राब भी हो रहा है, तो उसको भी निकाल के फेंकना है। किचन भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शूज़ वगैरह अगर गंदे हैं तो उनको भी धुलना पड़ेगा आज। सब कुछ आज निपटाना है, और निपटाने के बाद मुझे हेयर कट कराने जाना है। हेयर कट कराने के बाद मुझे लुलू मॉल भी जाना है। लुलू मॉल में भी आज आपको दिखाऊंगा मैं, वहाँ पे क्या है कैसे है सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना जो भी बेडशीट वगैरह थे, जो भी था बेडिंग्स वगैरह सब डाल दिया वॉशिंग मशीन में, तब तक वो वॉश होगा, तब तक मैं जाके फ्रेश हो लेता हूँ। जल्दी से फ्रेश होने के बाद फिर अपना काम स्टार्ट करता हूँ। सो अभी मैं फ्रेश होकर आ चुका हूँ। अभी हम लोग का टारगेट यही है कि सबसे पहले पूरा रूम अच्छे से क्लीन करें। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, अपना बेडशीट और पिलो वलो जो भी है सब कुछ अच्छे से अंदर वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। अभी रूम का थोड़ा से डस्टिंग और उसके बाद फ्लोर क्लीनिंग होगा, और उससे पहले सबसे पहले हम लोग अपना सारा सामान जो अलमीरा में है ना, बहुत ही गुजबुज है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सामान है ना, ये साइड वाला जो पूरा है ना, मैंने भर के इसमें रख दिया है। मतलब इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे अच्छे कपड़े होते हैं, लाइक जो भी मैं बाहर जाके पहनने वाले टाइप के कपड़े होते हैं ना, अच्छे कपड़े, तो मैं इस साइड रखता हूँ। जो घर में पहनने के लिए कपड़े होते हैं वो मैंने इस साइड रखते हैं। बट इसमें देखिए, यहाँ पर ये ब्लैक वाली शर्ट, ये जीन्स, ये सब थोड़ा अच्छे अच्छे कपड़े ना मैंने इस साइड ही जल्दी जल्दी में रख दिए हैं। तो अभी क्या करेंगे ना, सारा सामान बाहर निकालेंगे, अच्छे से इसका क्लीनिंग करेंगे, इसको पूरा अच्छे से सेट करेंगे। उसके नीचे के जो 3 ड्रॉर्स हैं उनको भी सेट करना है। इसमें जो मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन नहीं, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हौच-पच लग रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही चीज़ भरी हुई है, तो उतना मुझे यूज़ नहीं करना है। जो भी ख़राब यूज़ करना है, जो भी बेकार है, वो सब निकाल देंगे यहाँ से। और ऊपर का सेक्शन भी आज थोड़ा सा क्लीन करेंगे, और कैमरा वगैरह निकालेंगे, बहुत दिन से कैमरा भी नहीं निकाला। और इधर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं, वो सब भी सेट करना है, सब कुछ सेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरा ड्रेस रखा है यहाँ पर, इसको भी सब वॉशिंग मशीन में डालना है। अभी ड्रॉवर की सफाई चल रही है, मैं अपना ड्रॉवर आपको दिखा नहीं पाया। उस साइड का भी जो ड्रॉवर है ये वाला, ये भी पूरा मैंने क्लीन करा अच्छे से। मैं सारे ड्रॉवर्स जो भी थे, जो भी अंदर सामान रखे हैं, सब क्लीन करे। इसमें पता नहीं क्या हो गया था, कुछ चिपचिपा सा हेयर, छोटे छोटे वो सब सब चिपका हुआ था। ये देखिए यहाँ पे एक हेयर लगा हुआ है,
ये कैमरे में साफ नहीं दिख रहा होगा, और ये देखो एक हेयर है यहाँ पे, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये मुझे बहुत गंदा लगता है। ये देखो इसको इसे निकालेंगे, निकल भाई निकल निकल, नहीं चाहिए यहाँ पे कोई भी हेयर वेयर। ओके निकल गया, तो एकदम अभी क्लियर हो गया है, अभी निकल गया, उड़ गया हवा से, फूंक मार के उड़ा दिया। ठीक है, तो अभी ये सब सामान है, मैं जो बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं करता हूँ, रूम फ्रेशनर है, निविया की मैन की क्रीम है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं निकाल दूंगा। और उतना मैं उधर वाला नहीं दिखा पाया आपको, उधर वाला भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कराया, सब कुछ क्लीन कराया है, तो अभी पूरा कंप्लीट करके एक बार मैं पूरा अच्छे से आपको दिखाऊंगा। ये करके फिर मुझे बाहर के एरिया में जाना है, उधर पूरा क्लीन करना है, फिर किचन में जाना है, किचन में क्लीन करना है, उसके बाद मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है, कपड़े भी सारे धुल के सेट करने हैं। मतलब ये सोच के, मतलब जो लोग भी बाहर से, लाइक जो इंडिया से आने वाले हैं, वो लोग यही सोच के आए कि यहाँ पे आकर के कुछ आराम नहीं, यहाँ पे भी काम ही करना है। तो ये देख लीजिए असलियत यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे सब कुछ खुद से ही करना होता है, ऐसा कुछ नहीं कोई करके देगा। तो जो भी सोचते हैं कि कोई काम नहीं करेंगे सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये दो व्हाइट पॉलिश और ब्लैक पॉलिश रख रहा हूँ, बाकी के ये दो जो पॉलिश है, शू शाइनर है, ये सब फेंक दूंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी है, बट इसका ना ऊपर का पार्ट ना कट गया है, तो इसको मुझे निकालना होगा, यहाँ से फेंकना होगा, तो इसको भी यहाँ से अभी डाल देंगे। पूरा किचन में भी भसूड़ी मची है, किचन का भी पूरा क्लीनिंग करना है, तो देखते हैं धीरे धीरे। अभी तो यहाँ का एरिया पूरा डाइनिंग पूरा अच्छे से वेट मॉप, लाइक गीले कपड़े से ना अच्छे से पूरा इसको पोंछना है, उधर का एरिया अच्छे से पोंछ दिया मैंने, और ये ऊपर का एरिया मैं अच्छे से पोंछ ही रहा था, ये भी हो गया अच्छे से। अभी इसमें देखो मैं इसको अभी अच्छे से सेट करूँगा, जो भी सॉक्स वगैरह हैं, जो भी शूज़ वगैरह में सॉक्स हैं, वो सब निकाल करके मुझे धुलने के लिए डाल देना है। जैसे कि ये वाला सॉक्स इसमें है, ब्लैक शूज़ में, इसमें भी सॉक्स है आई थिंक, ये देखो सॉक्स इसके अंदर भी रखा है, ये भी धुलने को डालेंगे। इसके बाद ये ब्लैक सॉक्स, ब्लैक वाले में तो नहीं है, ओके इसमें नहीं है, इसमें तो भी नहीं है, ब्लू वाले में, इसमें तो सॉक्स नहीं हो सकता, निकाल लिया। अभी नीचे वाले सेक्शन में भी देखेंगे एक बार, ये शूज़ में सॉक्स नहीं है, इसमें सॉक्स है, क्योंकि ये जिम का शूज़ है मेरा, तो जिम के शूज़ तो मैं रोज़ पहनता हूँ, इसलिए इसमें सॉक्स डला हुआ है। ये शूज़ में देखता हूँ भाई, ये कुछ ज़्यादा ही, ये पता है ये शूज़ मैंने ना फर्स्ट अपनी इनकम से लिया था ये शूज़, जब मैं दिल्ली में था। सो नीचे वाले सेक्शन से मैंने पूरा खाली कर दिया है, इतना मुझे सामान मिला है नीचे वाले सेक्शन में, पता नहीं इतना मुझे यूज़ में आएगा, देखना पड़ेगा एक बार। उसके बाद अभी नीचे में देखिए, ये एक मेरा कुछ सामान, मेरा कटरीज वगैरह कुछ रखा हुआ है, बस उतना कुछ नहीं है, क्लीन कर दिया पूरा अच्छे से। अभी इसको अच्छे से सेट करेंगे, क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे फाइनली अभी देखिए, यहाँ पे ये सेक्शन मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कराया है, क्योंकि इसमें मैं अपनी पॉलीथीन वगैरह रखता हूँ, जो भी मतलब गार्बेज वगैरह के लिए, और इधर मैंने ये हिट वगैरह रखा कॉकरोच को मारने के लिए, कुछ कैंडल्स वगैरह रख दिया है, एक टिफिन है, ये सेक्शन भी पूरा क्लीन है। और ये मैंने देखिए अभी सेट कराया है पूरा अच्छे से, सो ऑयल हो गया, फिर इधर पास्ता फ्लावर, और नीचे राइस रख दिया है, ये बाउल वगैरह रख दिया, थोड़ा अच्छे से सेट कर दिया ये एरिया। ठीक है, अभी ये एरिया सेट करने के बाद मेरे को ये सेक्शन पूरा अच्छे से सेटअप करना है, जो एक्स्ट्रा से काम का है वो रखेंगे, बाकी सब फेंक देंगे। तो ये सेक्शन पूरा अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, सब ऑयली ऑयली हो रखा था, और कभी हाथ तो नहीं उतना पहुँच रहा है, बट फिर भी क्लीन कर देते हैं सब कुछ। अभी ये पूरा सामान अच्छे से सेट करना है, जो भी ज़रूरत का नहीं है निकाल के फेंकना है, सब कुछ अच्छे से करना है यहाँ पे। तो अभी मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया है, इधर सारे मसाले हो गए, जो भी पाउडर मसाले हैं, इधर सॉल्ट रख दिया, पेपर रख दिया, और शुगर रख दिया, कलर फॉर बिरयानी, जो कलर बिरयानी के लिए कलर आया था वो रख दिया इधर, मसाला इधर, थोड़ा से जीरा वगैरह सब कुछ रख दिया, इधर थोड़ा दाल वाल रख दिया है, इधर ये इलायची लौंग ये सब चीज़ें इधर रख दिया, सब कुछ सेट कर दिया इधर का। अब ये पूरा सेक्शन पूरा अच्छे से क्लीन करना है, पूरा अंदर बहुत गंदा हो रखा है सब, ये देखो यहाँ सब पूरा गिर गया है, सब पूरा अच्छे से सेट करना है, और ये पूरा सिंक वगैरह क्लीन करना है सब कुछ अच्छे से। फिर उसके बाद फ्रिज में जाना है, फ्रिज में भी पूरा क्लीनिंग करनी है, देखो सब पूरा गंदी तरह से रखा है सामान, कुछ भी सेट नहीं है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी देखो ये मैंने एक का ट्रे निकाला तो देखा, ये देखो ये अंडा फूटा हुआ इसी में पड़ा है, अभी सब पूरा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा सब कुछ, फिर उसके बाद। अभी मेरा किचन आप देख सकते हैं, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, देखिए ये एरिया पूरा क्लीन है, इधर सब अच्छे से क्लीन कर दिया है ये पूरा। यहाँ पे कुछ पराठा रखा है, ये मैं अभी पराठा बनाऊंगा,
और मैंने ऑलरेडी राइस लगा दिया है राइस बनने के लिए। ये एक ऑमलेट है इसको बनाऊंगा, और ये पूरा सेट कर दिया है। अभी देखिए फ्रिज में भी देखिए मेरी दो आइसक्रीम रखी है, और ये मेरे जो रूममेट हैं उन लोग का सामान ऊपर रखा हुआ है। ये देखो मैंने पूरा फ्रिज मस्त कर दिया। अभी देखो ये पूरा इधर सेट, ये इधर सेट, ये आज कुछ खाने का सामान नहीं है उतना कुछ मेरे पास, तो मैं अभी ऑमलेट वगैरह लेके आऊँगा। ये मेरा सॉरी ऑमलेट कह रहा हूँ, एग वगैरह लेके आऊँगा। इधर एक मेरा रखा हुआ है, और एक ट्रे एक और लाना है मुझे अभी। और इधर देखो सब कुछ सेट कर दिया है, और अच्छे से मैंने कॉकरोच के लिए स्प्रे वगैरह भी मार दिया है, सारे जितना भी कॉकरोच वगैरह है वो सब भी ख़त्म हो जाए। किचन का ये कंडीशन है अभी, तो अच्छे से क्लीन कर दिया इसको। इधर का एरिया भी सेट है पूरा, ये सब पूरा अच्छे सेट कर दिया, ये पूरा अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया है, और मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग भी चला रहा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरा ब्लॉग चल रहा है। ये देखो अपना ब्लॉग देखने का अलग ही मज़ा आता है, तो मैंने अपना ब्लॉग लगा दिया यहाँ पे, और मेरा ब्लॉग चल रहा है। और ये एरिया पूरा मेरा सेट है, इधर कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, इधर जाएंगे। अभी सिर्फ बाथरूम बचा हुआ है, बाथरूम मुझे करना है, बाथरूम करने के बाद बाकी चीज़ करेंगे। और ये देखो रूम का भी मैंने जो मेरी बेडशीट वगैरह थी वो सब मैं धुल के यहाँ पे रखी थी, थोड़ा सूख जाए क्योंकि बाहर ऑलरेडी कपड़े टंगे हुए हैं। ये सब पूरा अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं अच्छे से सेट कर दूँगा इधर। और ये सब पूरा अच्छे से मैंने अच्छे से लगा दिया है, फोन चार्जिंग वगैरह पर लगा हुआ है, कीज़ वगैरह रखी हैं तो यहाँ पर रख दिया। अभी देख सकते हैं ये सब पूरा अच्छे से सेट है यहाँ पे। मैं नहा धोकर के फ्रेश हो गया हूँ, और मैंने वॉशिंग मशीन में एक बार का राउंड हो गया मेरा कंप्लीट, तो दूसरे राउंड के कपड़े डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में, और सब कुछ रेडी है, खाना वगैरह भी बन चुका है मेरा। बस अभी मुझे सबसे पहले अपना बेड वेड वगैरह रेडी करना है, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ करूँगा। सबसे पहले मैं अपना बेड वगैरह रेडी कर लेता हूँ, मतलब बेडशीट वगैरह बिछा लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना मेरा कुर्ता पैजामा रखा है यहाँ पे, इसको मैं धुला था वॉश करा था, तो ये भी सूख गया है ना, वॉश पेपर का, इसको भी मैं अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके अच्छे से रख दूँगा। और थर्ड राउंड के लिए मैंने बाकी कपड़े डाल दिए हैं, सो वो होते रहे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊँगा लुलू मॉल, वहाँ से मुझे थोड़ा सामान लेना है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेरी एक कलीग है उसके लिए देखता हूँ कुछ अच्छा से कुछ लेने को, क्योंकि वो जा रही है और आज हमारा गेट टुगेदर है, सो दो तीन दिन बाद वो चली जाएगी, सो उसके लिए भी एक चीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो चलिए अभी हम बाकी सारा काम कर लेते हैं फिर करते हैं। तो मेरा रूम कुछ इस तरह लग रहा है, ये मेरा पूरा अच्छे से बेड वगैरह रेडी कर दिया इधर। यहाँ पे मेरा पराठा, थोड़ा सा चिकन करी और एग, यहाँ पे मेरा खाना ये हो गया। सामने मेरा ब्लॉग चल रहा है, अभी मैं अपना ब्लॉग चेंज करके कुछ मूवी वगैरह देखता हूँ। खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, रेस्ट करने के बाद फिर मैं जाऊँगा लुलू। और आज एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम हो गया कि मेरे को हेयर कट कराना था। हेयर कट कराने का क्या सीन था, मैं जब नहाने गया ऑलमोस्ट मैं नहा चुका था, उसके बाद मुझे याद आ रहा है मुझे हेयर कट कराना है, तो अभी नहाने के बाद हेयर कट कराना है, फिर वापस आके नहाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने हेयर कट आज नहीं कराया, कल हेयर कट कराऊँगा। बाकी सारा काम डन कर दिया है, बस अभी क्या बचा है, मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के बाद मुझे थोड़ा सा अपना लैपटॉप फ़ोन वगैरह में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें, सब कुछ सेट करना है, फिर रेस्ट करके शाम को थोड़ा बाहर जाएंगे। सो अभी खाना ना खा लेते हैं। सो अभी क्या हुआ कि लाइक मेरा खाना वगैरह तो कब का हो गया है, अभी लाइक 1.5 घंटा मैं अच्छे से सोया भी, उसके बाद अभी मैं रेडी वेडी होकर के बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ी देर बाद अभी सोच रहा हूँ कि लुलू मॉल जाऊँगा, मुझे कुछ सामान लेना था तो वो लूँगा। और मेरी जो कलीग है, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी जा रही है यहाँ से छोड़ कर के काम, और इंडिया वापस जा रही है, तो मुझे उसके लिए भी कुछ सामान लेना है, तो मैं देखता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा कुछ बेस्ट अगर मिलेगा तो मैं वहाँ से ही लूँगा, और देखते हैं। और ये टी शर्ट मैंने अभी निकाली है, जो मैं लास्ट ब्लॉग में मैंने खरीदी थी, ये टी शर्ट आपने देखा होगा 20 रियाल में ऑफर चल रहा था, तो मैंने खरीदी थी, काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है वैसे। लाइक ज़्यादातर मैं ऐसी प्लेन तरह का टी शर्ट पहनना प्रेफर करता हूँ, लाइक विदाउट एनी लोगो, विदाउट एनी एम्ब्रॉयडरी, सो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, और अच्छा फिटिंग भी अच्छा आया, काफ़ी अच्छा आया फिटिंग है, देख सकते हैं आप। सो अभी देखते हैं, थोड़ी बाद रेडी होते हैं फिर निकलते हैं हम लोग। तो तक थोड़ी देर मूवी देखा था, गाना सुनता था मैं। सो गाना चल रहा है अभी, थोड़ी देर मिल लूँगा। सो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, और बाहर आके जस्ट मैं इधर से मुझे सीधे जाना है लुलू मॉल के लिए। मैं लुलू मॉल के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको इधर का रास्ता दिखा रहा हूँ, रात में कैसा लगता है इधर का एरिया। मतलब मैं अपने अकोमोडेशन से बाहर आकर के थोड़ा और आगे आ गया हूँ, तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ यहाँ का एरिया कैसा लगता है। यहाँ का एरिया कुछ इस तरह लग रहा है, यहाँ भी एक कैमरी खड़ी है टोयोटा की। अभी हम लोग चलते जाएंगे,
थोड़ा से आगे पे, यहाँ से अराउंड 500 मीटर्स पे लुलू मॉल है, तो लुलू मॉल पे जा कर के वहाँ पे सामान लेना है। चलते जा रहे हैं। उस साइड में सब रेस्टोरेंट्स वगैरह उस साइड में भी खुले हुए हैं और इस साइड में भी सब कुछ है। तो देखो यहाँ पे वो ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, वहाँ पे लिखा है लुलू हाइपर मार्केट, सो वही है लुलू मॉल, तो वहीं हम जा रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये एकदम सेंटर में ऊपर से देखिएगा वो लुलू हाइपर मार्केट, क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट वो ग्रीन कलर की लाइट बड़ी बड़ी दिख रही है ना, वही लुलू हाइपर मार्केट है। पहुँच करके मैं दिखाता हूँ वहाँ से। सभी हम लोग फाइनली यहाँ पे लुलू मॉल पे आ गए हैं। हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि नीचे वाला सेक्शन जो इन्होंने बनाया हुआ है वो मैक्स टू मैक्स। तो अभी यहाँ पे मैं ये ले लिया है, देख रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे इतना अच्छा, एक मुझे पसंद आया है ये इतना बड़ा से, बट देखते हैं अगर अभी और भी देख लेते हैं, कुछ अगर कुछ और बेटर मिलता है तो वो भी देखते हैं, देखने के बाद मैं डिसाइड करूँगा। यहाँ पे मैंने एक और देखा है, इसका प्राइस वगैरह चेक करने के लिए यहाँ पे मशीन दी हुई है, तो इसमें हमको स्कैन करना है इसका बारकोड, बारकोड स्कैन करने के बाद इसका प्राइस पता चल जाएगा क्या है। चेक कर रहे थे, दोनों सामानों का हमारा रैपिंग वगैरह हो रहा है, पैकिंग वगैरह अच्छे से हो रहा है। दो चीज़ मैंने लिया है, एक ये है और एक ये है, दोनों का पैकिंग हो रहा है अच्छे से। तो अभी मैंने अपना जो भी सामान लिया वो मैंने उधर साइड में रख दिया है और काउंटर पे रखवा दिया है। अभी मैं थोड़ा इस सेक्शन में आया हूँ, मुझे थोड़ा कपड़े वगैरह देखने थे, कुछ ठीक ठाक दिखेगा तो मैं आपको, कुछ ठीक ठाक दिखेगा तो मैं लेता हूँ। लेकिन प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं यार छोटी छोटी चीज़ों के। देखो ये सब टी शर्ट वगैरह जो टंगी है, ये सब टी शर्ट्स वगैरह हैं, ये फुल स्लीव्स की है, ये सब 99 रियाल, मतलब 2000 रुपये की है, और इतना कुछ खास ब्रांड नहीं है, रियो का ही है, यहाँ पर बहुत चलता है रियो का बोल करके, ऐसा ऐसा मिलता है। अब ये टी शर्ट इधर एक अच्छी लग रही है मुझे, तो इतना कुछ खास नहीं है, ये वाले कलर में अच्छी आई हैं टी शर्ट्स, बट इनका भी प्राइस तो साला अलग ही लेवल पे होगा। अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि कुछ लेने से पहले ना प्राइस देखना पड़ता है, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि जब कुछ भी ले लोगे प्राइस नहीं देखना पड़ेगा। देखो 45 रियाल 1000 रुपीज़ की टी शर्ट, भाई कुछ ज़्यादा ही महंगी है यहाँ पे तो। बट मैं ऐसा नहीं है लिया हूँ यहाँ से भी, बट ऐसे नॉर्मल मुझे लेना था कुछ हल्का फुल्का के लिए, तो देखते हैं इधर ये भी शर्ट्स वगैरह अच्छी लग रही है, ये सब भी देखते हैं। ये वाली ब्लैक शर्ट, जीन्सेस वगैरह इधर टंगी हुई हैं, ये सोचिए 35 रियाल की है, सुपीरियर पता नहीं कैसी होगी, कुछ और अच्छा मिल जाता अगर अलग से तो अच्छा लगता। ये देखो सामने ये बंदा पहन के दिखाया है यहाँ पे। ठंड वगैरह आई नहीं है बट इन्होंने यहाँ पे अपने सेक्शन में लाइक ठंड वगैरह के सामान लगा दिए हैं, जैसे जैकेट हो गया, स्वेटर्स हो गए, ये सब इन्होंने अपना पूरा कंप्लीट लगा दिया है, किसी को लेना हो तो ले सकते ऐसा टाइप का। बट अभी बहुत इतना ज़्यादा ठंड तो है नहीं, अभी गर्म ही है, देखते हैं। उतना कुछ मुझे समझ में आ नहीं रहा है यहाँ से क्योंकि यहाँ पर उतना कुछ अच्छा मिलता नहीं है मेरे हिसाब से, तो अगर कुछ अच्छा लेने के लिए मुझे सिटी सेंटर जाना चाहिए या बिलाजी का मॉल जाओ या फिर कैरीफोर में, कैरीफोर के कोई भी मॉल चले जाओ, वो सब बेस्ट रहता है। लुलू में अच्छा मिलता है बट लुलू में इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा मिलता है, कपड़ों के मामले में थोड़ा सा इनका उतना अच्छा मुझे नहीं लगता, बाकियों का नहीं पता बट कपड़ों के मामले में थोड़ा सा ये लोग अभी पीछे हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने पहना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज़र वगैरह टंगे हुए हैं, यहाँ पे एक ब्लेज़र टंगा हुआ है, इसका प्राइस है कितना है प्राइस, आई थिंक अराउंड इसका प्राइस यहाँ पे देखो हाइड कर रखा है बट ये 400-500 ये 180 रियाल यहाँ पे लिखा हुआ है, हल्का सा मुझे दिख रहा है, तो 180 रियाल का है ये प्राइस, मतलब कॉस्टली है, ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल है। शर्ट्स वगैरह टंगी हुई हैं, सब 50 रियाल अबव है, सब 90 रियाल 100 रियाल ऐसे ही है। शूज़ वगैरह इधर हैं, ये बाद में, अभी ये ब्लैक शर्ट अच्छी लग रही है बट बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब गर्म के लिए है, इसको अभी नहीं मैं बाद में लूँगा इसको। बट इधर बच्चों के सेक्शन दिए हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए अच्छा है।
छोटे बच्चों के लिए तो मस्त मस्त कपड़े हैं, देखो अच्छे अच्छे कपड़े इधर टंगे हुए हैं। अभी मॉल से बाहर आ गए हैं, सामान जो लेना था ले लिया, काफ़ी ज़्यादा सामान वहाँ देखने को तो था बट उतना कुछ मुझे पसंद नहीं आया लेने को, और जो मुझे गिफ्ट लेना था वो मैंने ले लिया ऑलमोस्ट, दो है मेरे पास। सो अभी वापस रूम पे जाएंगे, थोड़ा देर बैठूंगा, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग गेट टुगेदर के लिए। इधर एक रेस्टोरेंट है वहीं पर जाना है हम लोगों को। सो अभी रूम पर पहुँच करके देखते हैं क्या करना है। रोड भी क्रॉस करने में यहाँ पे तो प्रॉब्लम होती है, रोड क्रॉस करना पड़े देखते आके करो, क्योंकि इधर कुछ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर बना नहीं रखा है, नॉर्मली है। तो सामने से गाड़ी आ रही है इधर, निकल जाएगा उसके बाद। चलो अभी यहाँ पे रोड खाली हो गई है, मैं इधर क्रॉस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर रूम पे पहुँच जाएंगे सीधे। तो अभी मैं फाइनली रूम पे आ गया हूँ, और जो भी मुझे सामान लेना था, मुझे जो गिफ्ट्स लेने थे, गिफ्ट तो मैंने ले लिए हैं बट मुझे एक लेना था, और जो बाकी सारा सामान लेना था वो सब मैंने नहीं लिया, मैं बाद में लूँगा। और कपड़े वगैरह भी मैंने देखे, मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने कुछ नहीं लिया अभी। सो अभी क्या होने वाला है कि थोड़ी देर मैं इधर वेट करूँगा, बाकी लोग आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे गेट टुगेदर के लिए। इधर एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं, और बाकी तो आज उतना कुछ है नहीं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने टाइम पे भी थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले, ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें पे बनाऊं। अभी तो उतना मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा क्योंकि ज़्यादा गर्म होता है तो मेरा कुछ प्लान नहीं बन पाता, बट इन फ्यूचर मैं अच्छी जगह पर कहीं जाऊँ तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कॉमेंट से, लाइक से, शेयर से। सो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।